चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में दो तो साइन है और दो अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं मिडिल ब्रैकेट में, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं वो देख लेते हैं। तो हम अपना कर्ली ब्रैकेट क्वेश्चन उतार लेते हैं। -13 -27 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस -25 -40 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। जब भी सिंप्लीफाई दिया होता है तो इसका मतलब इस पूरी स्टेटमेंट को सॉल्व करके एक वैल्यू आएगी और वो कौन सी आएगी वो बताना है। तो देखिए अब हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट एज इट इज रखेंगे। अब -13 के साथ माइनस है तो वो एज इट इज लिख दिया। अब माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। हमें पता है माइनस इनटू माइनस हमारा होता है प्लस, सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस का 27 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। प्लस फिर से कर्ली ब्रैकेट, अब माइनस का 25 एज इट इज, तो माइनस का 25 एज इट इज। अब देखिए माइनस इनटू माइनस होता है तो प्लस आ जाता है, तो प्लस 40 एज इट इज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब एक वैल्यू माइनस की है, एक वैल्यू प्लस की है। जब भी एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। तो 13 माइनस हुए 27 में से तो ये आ गया 14, तो हमने यहाँ 14 लिख दिया और साइन बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू इन दोनों में से 27 थी और उसका साइन था प्लस, तो प्लस ही छोड़ देंगे। ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस फिर से कर्ली ब्रैकेट, अब दोनों ऑपोजिट साइन है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 40 में से 25 गया इस 15, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 15, और बड़ी वाली वैल्यू का साइन, बड़ी वाली वैल्यू 40 है, 40 का साइन प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 14 एज इट इज प्लस एज इट इज 15 एज इट इज, क्योंकि दोनों वैल्यूज का नेगेटिव साइन नहीं था तो एज इट इज ओपन करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 प्लस 15 कितना होता है हमारा? 29, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 29 इज द आंसर। हमने अपनी पास्ट क्लासेस में सीखा था कि 2 प्लस 3 करें तो भी 5 आएगा और 3 प्लस 2 करें तो भी 5 आएगा, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं कि अगर हम 2 माइनस 3 करें या 3 माइनस 2 करें तो क्या आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। प्लीज़ एंड तक देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी साइट www.elearnmaths.in पे सिंपल अपनी क्लास और अपनी बुक प्रेस करके आप नीचे ड्रॉप डाउन से कोई भी चैप्टर का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड, हमें फाइंड करना है 36 माइनस -64। अगर हम 36 में से माइनस करेंगे -64 एंड -64 में से माइनस करेंगे 36, क्या ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? तो देखिए इसे हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे हम मान लेते हैं राइट हैंड साइड, कि क्या ये इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर्पल वाली थी तो पर्पल वाली ही वैल्यू लिख रही हूँ। 36 में से माइनस करना है -64, तो कैसे करेंगे? देखिए 36 एज इट इज, क्योंकि प्लस का साइन था, उससे पहले कोई साइन नहीं दे रखा तो इसका मतलब प्लस का साइन है। अब माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, अगर सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें पता है प्लस क्या आ जाता है वैल्यू, तो प्लस 64। अब दोनों सेम साइन की वैल्यूज हैं तो आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 36 प्लस 64 इज 100, और क्योंकि बड़ी वाली डिजिट प्लस की थी तो प्लस आ गया, राइट। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में कह रहा है अगर हम -64 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए -64 एज इट इज, क्यों एज इट इज? क्योंकि बाहर प्लस था, प्लस माइनस माइनस, तो -64 और -36 एज इट इज। अब क्योंकि दोनों सेम साइन है माइनस के तो आपस में ऐड हो गए, तो 64 प्लस 36 इज 100, और क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की थी तो इसलिए माइनस लग गया। तो देखिए
अगर हम ए में से बी माइनस करें या बी में से ए माइनस करें तो आंसर सेम नहीं आते हैं. तो नो दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होते हैं आंसर.